हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की एक और लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं मैं। तो दोस्तों, सामने आप देखेंगे ये खजूरी खास के पास बहुत ही बड़ा और काफ़ी हैवी पिलर फाउंडेशन यहां पर हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है खजूरी खास का फ्लाईओवर, और उसके बाद ये जो पिलर फाउंडेशन हुआ है ये अभी तैयार नहीं किया गया है। सो दोस्तों, आज की जो अपडेट रहने वाली है वो खजूरी खास से लेके शास्त्री पार्क के बीच की रहने वाली है, और काफ़ी सारा काम आपको इस वाले रोड पे आज देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में ये एग्ज़िट दी जा रही है, जो एक्सप्रेस वे से आप अक्षरधाम की तरफ से आएंगे तो खजूरी खास पे यहाँ पर एग्ज़िट मिलेगी आपको। और लेफ्ट साइड में दोस्तों, आगे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, इस जगह एंट्री भी दी जाएगी इस एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए। अगर आप अक्षरधाम की तरफ या नोएडा की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ से इस एक्सप्रेसवे का यूज़ कर सकते हैं, और आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे तक भी जा सकते हैं जब ये बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस जगह काम चल रहा है फ्लोरिंग का। ये जो एग्ज़िट है यहाँ पर अब चाल बना दिया गया है दोस्तों फ्लोरिंग के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी लंबे पैच में यहाँ पर गर्डर्स को रख दिया गया है, और सामने है दोस्तों खजूरी खास का फ्लाईओवर। और ये देखिए, यहाँ पर राइट साइड में ये हाफ पिलर बन के तैयार हो गया है, जिसके ऊपर DDE आएगा। और ये वाले जो पिलर्स हैं दोस्तों, इनको स्क्वायर शेप में बनाया जा रहा है, और काफ़ी हैवी यहाँ पर बनाया जा रहा है, बिकॉज इनकी जो हाइट रहने वाली है वो 60 फीट से अबव रहने वाली है। तो सामने आप देखेंगे दोस्तों, काफ़ी सारे पिलर्स यहाँ बनके तैयार हो चुके हैं, अब उनके ऊपर पिलर कैपिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, एक और ये पिलर आप देखेंगे यहाँ पर, इसको स्क्वायर शेप में बनाया जा रहा है। और इससे आगे जो आप ये पिलर देख रहे हैं दोस्तों, ये सर्कल शेप में बनाए हैं, राउंड शेप में बनाए गए हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, वहाँ पर स्टील गेज का काम चल रहा है, जो पीक पिलर हैं ये, इनके ऊपर। तो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। तो आगे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाफ जो ये पिलर कैपिंग है ये बन के तैयार हो चुकी है, और अभी पूरा ये बनके तैयार होने वाला है। इसके अंदर स्टील गेज का काम कंप्लीट हो चुका है, और राइट साइड में दोस्तों यहाँ से फ्लोरिंग का काम चल रहा है अभी, जो ये एग्ज़िट है उसके लिए। तो काफ़ी सारे दोस्तों ये पिलर हैं जिनके ऊपर अब पिलर कैपिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, सामने स्टील गेज का काम यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, अब इसके अंदर कॉन्क्रीट मिक्सचर डाल के इसको फिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पिलर कैपिंग आप देख रहे हैं ये डन हो गई है। जो काफ़ी हाइट वाले पिलर हैं इनके ऊपर, और ये आगे देख रहे हैं, यहाँ पर आप सपोर्ट लगा दी गई है पिलर कैपिंग के लिए। तो दोस्तों, ऊपर ही ऊपर सपोर्ट लगाई जाती है हवा में, और नीचे जो बाकी जो नॉर्मल पिलर्स हैं दोस्तों, उनके ऊपर नीचे से सपोर्ट लगाई जाती है पिलर कैपिंग के लिए। तो बीच में दोस्तों आप देखेंगे, अभी ये पिलर्स बचा है, ये वाला पिलर जो बचा है इसके अंदर कॉन्क्रीट मिक्सचर डालना बाकी है। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट इस वाले रोड पर सारे पिलर कैपिंग का काम और सारे पिलर तैयार हो गए हैं। कुछ 5-7 पिलर अभी बचे हैं जिनके ऊपर पिलर कैपिंग का काम नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, लगातार यहाँ पर सारे पिलर कैपिंग का काम डन हो चुका है, और उनके ऊपर गर्डर्स लगने का काम भी साथ के साथ यहाँ पर चल रहा है। और आगे मैं दोस्तों दिखाऊँगा, काफ़ी जगह यहाँ पर फ्लोरिंग का काम भी डन हो चुका है। सो दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी DDE की एंड मैनी अदर्स। तो चलते हैं दोस्तों आगे, आगे का काम आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर गर्डर्स को फिक्स करने का काम चल रहा है अभी। तो दोस्तों, लेफ्ट में यहाँ से एंट्री दी जाएगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। उसके लिए यहाँ पर अब स्टार्टिंग में देखें तो फ्लोरिंग का काम आपको नज़र आएगा। फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो गया है इस वाली एंट्री के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाल बना दिया गया है, उससे पहले फ्लोरिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है, और आगे भी दोस्तों अभी फ्लोरिंग का काम होना बाकी है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, सपोर्ट लगा दी गई है फ्लोरिंग के लिए, DDE का जो पार्ट है उसमें। तो यहाँ से 5वें पुश्ते से आपको एंट्री मिल जाएगी इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए, और एग्ज़िट भी मैं दोस्तों दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देहरादून की तरफ से आते हैं तो इस जगह भी आपको एग्ज़िट मिलेगी उस्मानपुर के पास,
तो देखिए दोस्तों, ऊपर सपोर्ट लगाई जा रही है फ्लोरिंग के लिए। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। तो दोस्तों फेज़ वन है ये, फेज़ वन का पैकेज वन जो अक्षरधाम से शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया फ्लोरिंग का काम, और उससे आगे यहाँ पर गर्डर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम अभी चल रहा है। तो काफ़ी सारे दोस्तों गर्डर्स कनेक्ट हो चुके हैं, और अभी कुछ जगह गर्डर्स को कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह सपोर्ट लगाई जा रही है फ्लोरिंग के लिए, और उससे आगे दोस्तों यहाँ पर अभी गर्डर्स को नहीं रखा गया है। तो नीचे वाला जो रोड है दोस्तों, यहाँ से उसको चौड़ा करने का काम चल रहा है। तो लेफ्ट साइड में देखिए कितनी सारी मिट्टी यहाँ पर डाल दी गई है, ये देखिए। और राइट साइड में भी दोस्तों चौड़ा किया जा रहा है ये वाला रोड। और लंबे पैच में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर गर्डर्स को फिक्स करने का काम डन हो चुका है। तो दोस्तों लेफ्ट में आप पिलर्स देख रहे हैं, अभी कुछ पिलर बचे हैं जिनके ऊपर पिलर कैपिंग का काम होना बाकी है। तो यहाँ से दोस्तों एग्जिट का काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी पिलर कैपिंग का काम चल रहा है, और आगे दोस्तों जो पिलर बन चुके हैं उनके ऊपर गर्डर्स को रख दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर DDE और एग्जिट दोनों में गर्डर्स को फिक्स करने का काम डन हो चुका है। तो आगे भी देखेंगे तो दोस्तों पिलर कैपिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों लेफ्ट में यहाँ पर जाल बना दिया गया है फ्लोरिंग के लिए, ये जो एग्जिट का पार्ट है इस पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर भी आप ऊपर देखेंगे तो इस जगह भी फ्लोरिंग के लिए सपोर्ट लगाई जा रही है। तो ये देखिए यहाँ तक दोस्तों फ्लोरिंग के लिए जाल बना दिया गया है, और ये यहाँ पर एग्जिट का एंड हो जाएगा दोस्तों। न्यू सुमानपुर है लेफ्ट साइड में, यहाँ तक एग्जिट दी जाएगी। और ऊपर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर फ्लोरिंग का काम हो चुका है, और नीचे दोस्तों ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से दोस्तों एक लंबे पैच में यहाँ पर फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही पार्ट अभी बचा है बीच में जिसके ऊपर फ्लोरिंग नहीं हुई है, अदरवाइज काफ़ी लंबे पैच में यहाँ पर फ्लोरिंग का काम डन हो चुका है। यहाँ पर भी दोस्तों एक्सप्रेसवे की फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। तो यहां तक दोस्तों डन हो चुका है फ्लोरिंग का काम, और उससे आगे यहां पर अब सपोर्ट लगाने का काम स्टार्ट हो गया है। गर्डर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं यहां पर दोस्तों। तो ये देखिए यहां पर अब इस जगह फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द, और उससे आगे भी दोस्तों ये पिलर कैपिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यह है दोस्तों लेफ्ट साइड में उस्मानपुर पहला पुस्ता, और ये देखिए काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर दोस्तों काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। तो दोस्तों सिंगल पिलर्स के ऊपर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे गांधीनगर से स्टार्टिंग हुई है दोस्तों पिलर की, और EPE ईस्टर्न फेरी पैरल तक ये पिलर्स के ऊपर ही जाएगा। बीच में दोस्तों कुछ पार्ट है जो ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से पिलर्स की हाइट थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर उनको तैयार किया जा रहा है, इस जगह स्टील गेज का काम कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर कंक्रीट मिक्सचर अभी डाली जाएगी। और राइट साइड में दोस्तों आप पिलर्स देख रहे होंगे जिनके ऊपर पिलर कैपिंग काम हो रहा है, वो दोस्तों यहाँ पर एग्जिट के लिए बनाए जा रहे हैं। तो शास्त्री पार्क से आपको एग्जिट मिलेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर एक लूप बनाया जाएगा और आप एंट्री कर सकेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए। तो दोस्तों बीच में ये कुछ 4-5 पिलर ही अभी बचे हैं जिनको अभी तैयार नहीं किया गया है, और सामने है दोस्तों शास्त्री पार्क वाला फ्लाईओवर।
तो इसके ऊपर से आएगा दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो अभी दोस्तों ये पिलर्स बचे हैं जिनको तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों इनकी हाइट भी काफ़ी ऊपर तक रहने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों फ्लाईओवर के जस्ट आगे ये वाला जो पिलर है इसको बना के तैयार कर दिया गया है, और बीच में ये वाला भी पिलर बचा है जिसके अंदर कॉन्क्रीट मिक्सचर डालना बाकी है, और उससे आगे लगातार काफ़ी सारे पिलर हैं दोस्तों जिनके ऊपर काम चल रहा है इन पिलर को एक्सटेंड करने का, और काफ़ी सारे पिलर एक्सटेंड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वाला जो पिलर है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है अभी। तो राइट साइड में है दोस्तों मुर्गा मंडी, और यहाँ से लेफ्ट साइड में दोस्तों आप आईएसबीटी की तरफ जा सकते हैं इस फ्लाईओवर पे एंट्री लेकर, और सीधा चले जाएं तो दोस्तों गांधीनगर पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाले पिलर हैं बनके तैयार हो चुके हैं, और दोस्तों ये एरिया है शास्त्री पार्क का जहाँ पर गर्डर्स को तैयार किया जाता है। तो इससे आगे दोस्तों अभी पिलर्स बचे हैं जिनको एक्सटेंड अभी नहीं किया गया है, जिनके ऊपर काम बाकी है एक्सटेंड करने का। तो ये देखिए दोस्तों सामने है शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर। तो यहाँ से ही मिलती है दोस्तों एंट्री इस फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हैं पिलर जो अभी काफ़ी ऊपर तक जाएंगे, इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।